अगला अध्याय। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके विष्णु आदि सभी देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्दासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमड़ों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आविष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसमें कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आनंद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थीं। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी को दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाई हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रवों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की समृद्ध गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उस विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान शंकर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभातकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सभी देवता सानंद उठे और अपने ईष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासी में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शय्या त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जन्मासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां भी वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करते हुए मंगल गान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके
मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी को गए। मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को, मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया।